as I have used this word discounting, discounting in counting means what? Discounting in counting means kick off. Alike look things. What do we mean by kicking off the alike looking thing? Okay? Like AB and BA. Both are standing in a photograph. Whatever. और दोनों भाई हैं. A और B दोनों भाई हैं. दोनों ने ऐसे खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवा ली. A यहाँ खड़ा है, B यहाँ खड़ा है, और B यहाँ खड़ा है, A यहाँ खड़ा है. अब मेरे को ये बताइए, इनकी मम्मी आई फोटोग्राफर के पास में और पूछा, भाई तस्वीर दिखाओ. ये भी तस्वीर दिखा दी, ये भी तस्वीर दिखा दी. क्या दोनों लेकर जाएंगी वो? एकदम नहीं, सिर्फ एक ही लेकर जाएंगी. कोई सी भी ले लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि उनके जो घर की दीवार पर जो फोटो लगी होगी उसमें उनके दोनों बेटे होंगे. तो वो दीवार पर जो तस्वीर लगी है वो ए बी की है या बी ए की है, इट डजंट मीन एनीथिंग. तस्वीर लगी है, बस तस्वीर में दोनों बेटे हैं. जब इस तरह के असेंस आते हैं हमारे पास, जब इस तरह के अरेंजमेंट आते हैं, इस तरह की काउंटिंग चीजें आती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों अलाइक ऑब्जेक्ट हैं. अलाइक ऑब्जेक्ट है मतलब, हाँ ये भी बेटा है, ये भी सन है, ये भी सन है, ये भी सन है. तो पहले वाले का करेक्टर देखो क्या है, एस एस. दूसरे वाले फोटो में करेक्टर देखो क्या है, एस एस. तो अभी ये दोनों एक ही जैसे करेक्टर के हो गए ना. जब भी अलाइक ऑब्जेक्ट आएगा, करेक्टर कम्स इन टू पिक्चर. दोनों ऐसे भाई भाई हैं, एक ही घर में रह रहे हैं. हाँ अगर ये दोनों फ्रेंड होते, ठीक है, दोनों को अपने अपने घर में अलग अलग ये फोटो ले जाना होता, हो सकता है कि फ्रेंड ए ए बी ले गया, हो सकता है कि फ्रेंड बी बी ए ले गया. वहां पर अलग तरीके से सोचना आप. लेकिन ये दोनों तो सन 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 एक ही जगह पर जाके तस्वीर आएगी ना वॉल पर. तो ये लगे या ये लगे, दोनों ही मायने में एक ही चीज लगी है. तो इन दैट केस ए बी एंड बी ए आर नो टू डिफरेंट काउंटिंग्स और नो टू डिफरेंट वेज. इन दैट केस वी विल सी, वी विल कॉल दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग. ठीक है, ये तो था दो से रिलेटेड. यहाँ पर क्लियरिटी इतनी नहीं आती है. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट एंड लर्न व्हाट डू वी मीन बाय डिवाइडिंग परम्यूटेशन बाय फैक्टोरियल आर. लेट्स टेक अ Three people who knows each other, A, B, C. वही अगर मैं कॉन्सेप्ट करूं कि तीनों गए फोटो खिंचवाने के लिए और एक लाइन में खड़े होना है इनको, तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज themselves? आप बोलेंगे इन सिक्स वेज दे कैन अरेंज themselves, बिकॉज वी नो वॉट आर दीज सिक्स वेज. छह तरीके से फोटो खींचते हैं. लेकिन अगर फोटो एक ही घर में जानी है तो इनमें से कोई भी एक जाए, उसका मतलब यही होगा ना कि तीनों की ही फोटो पहुंची है. इसका मतलब क्या है, थ्री शुड बी ट्रीटेड एज अलाइक आइटम्स. अब आप बोलोगे मैथमेटिकली इसको हम कैसे समझेंगे, आपने तो छह केस बना दिए, अब आप इसको वन केस में कैसे ट्रांसफर करोगे? ध्यान दो, हाउ वी कन्वर्ट सिक्स इंटू वन. और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि देयर आर फोर ऑपरेटर्स एक्चुअली, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बारे में अभी तक नहीं बताया मैंने, एंड डिवीजन. लेट मी इंट्रोड्यूस दिस ऑपरेटर इन काउंटिंग टेक्निक नाउ. हाउ वी विल कन्वर्ट सिक्स टू वन, वी विल नॉट यूज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. नहीं, छह में से माइनस फाइव नहीं करना है. सिक्स को वन हम कैसे बनाएंगे? सिक्स को वन बनाने के लिए डिस्काउंटिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. और फाइनेंस में डिस्काउंटिंग ऑपरेटर का मतलब होता है डिवाइड इट. हाउ विल यू कन्वर्ट सिक्स इंटू वन? डिवाइड सिक्स बाय सिक्स, इट विल बिकम वन. डिवाइड सिक्स बाय फैक्टोरियल थ्री, इट विल बिकम वन. यू नो दैट सिक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल थ्री. अब आप बोलो व्हाई रिटन फैक्टोरियल थ्री? बिकॉज थ्री आइटम्स आर अलाइक. वहां से ये कॉन्सेप्ट बनाकर यहां डिवाइड करते हैं. तो व्हेन वी आर अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम,
एंड वेयर इफ आई से आर ऑब्जेक्ट आर अलाइक देन इट बिकम्स एन पी आर बाई फैक्टोरियल आर. आई एम डूइंग अ ह्यूज जंप हियर. यहां पर मैं एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाला हूं. सिंपली एन पी आर इफ आई से एन ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेक एन आर एट ए टाइम अरेंज देम एंड वी ऑल्सो नो दैट आर आर अलाइक. ये भी बोल दिया आपको अगर मैंने. दिस इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन एंड दिस एक्चुअली बिकम एन पी आर बाई फैक्टोरियल आर which is popularly known as NPR. Combination or selection is nothing but arrangement of n different objects taken R at a time where all the objects are treated as alike item. Pehla mool mantra of counting. Achche se dimag mein bithaiye before we start with the formulas actually. What is that mool mantra? Alike. Jahan bhi aapko milega. Use discounts. Discounts means divide by factorial R. If you get R alike element. Pehla concept in technical concept in counting to cheez samajhni chahiye. NPR, NCR kya hota hum baat karein. Koi baat nahi. Abhi mujhe sirf focus karna tha alike aur discounts ke baare mein. अलाइक जब भी आएगा वो चीज आपकी फैक्टोरियल आर्ट से कोई भी नंबर ऑफ काउंट आता है फैक्टोरियल आर्ट से डिवाइड क्यों होता है. सो इफ वी अगेन गो बैक टू आर बेसिक क्वेश्चन ऑफ रेलवे ट्रैक स्टेशन जो हम बेसिक क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वहां पर अगर हम देखेंगे तो इन द फर्स्ट केस व्हेन आई एम मूविंग फ्रीली ऑन दिस ट्रैक मैं ए से बी भी जा सकता हूँ पीछे भी जा सकता हूँ आगे भी जा सकता हूँ कैसे भी जा सकता हूँ. इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो गया. टू से फोर जाना एक ऑर्डर हो गया और फोर से टू आना एक अनादर ऑर्डर हो गया. टू से फोर जाने के लिए भी मुझे एक टिकट चाहिए फोर से टू जाने के लिए भी एक टिकट चाहिए. लेकिन इफ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी ओनली इन वन डायरेक्शन टू टू फोर एंड फोर टू टू आर नाउ same thing treated. Why? Because I can only go from 2 to 4. I cannot go from 4 to 2. इसका मतलब क्या है? जब मैं यहाँ पर total cases बना रहा हूँ, उसमें से मेरे को ये वाले जो case हैं, जो दो दो बार छवि बनकर आ रही है, picture बनकर आ रहे हैं, उनको मुझे kick off करना है. और math में kick off करने का सबसे best तरीका क्या है? Treat them as alike items. Divided by factorial R and ask them to leave. That is how combination selection counting process comes into picture and formulation. So before we move into the formula, again I'll give you one sum, try to solve it and we will clear this concept of discounting again with that particular example.